नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये खूबसूरत सा मल्टी कलर डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए आप ऑड नंबर में कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है। ऐसे पर्ल वाइज हम स्लिप करेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करना है, स्लिप करने से पहले उन को हमें अपनी तरफ कर लेना है, फिर उन दूसरी ओर अगले फंदे को सीधा बुनना है। उन अपनी ओर किया, अगला फंदा स्लिप किया, उन दूसरी ओर किया, अगला फंदा सीधा। इस डिजाइन को आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस डिजाइन का जैकेट बनाइए या कोटी बनाइए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद बेहद खूबसूरत। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकता है। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर दिया, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करते हुए, एक फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करते हुए पहली लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और यहाँ पर हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो दूसरे कलर के ऊन से हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा भी हम उल्टा ही बुनेंगे। अब ऊन को दूसरी तरफ करेंगे और अगला फंदा हमें स्लिप करना है, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है और अगला फंदा हमें स्लिप करना है। उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा बुनना है, उन दूसरी ओर अगला फंदा स्लिप करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि हम स्लिप करने से पहले उन को सामने की तरफ दूसरी तरफ कर दे रहे हैं, फिर उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर हमें अगला फंदा स्लिप करना है, तो उसके पहले हमें ऊन को दूसरी तरफ करना होगा, फिर फंदा स्लिप करेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा। एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है। देखिए लास्ट फंदा है, तो इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। शुरुआत में भी दो फंदे उल्टे हुए हैं और लास्ट में भी दो फंदे उल्टे हो गए हैं। अब हम फिर आ गए सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है, तीसरी लाइन और सामने से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो धागे हैं, एक जिससे अभी हमने बुनाई की है और ये हमारा बॉर्डर वाला धागा। तो अब हम नीचे वाले धागे से बुनाई करेंगे और पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, ऊन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, अगला फंदा हमें स्लिप करना है, यानी हमारा पहला लाइन। एक फंदा हमें सीधा बुनना है और अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। हर लाइन में हमें ऊन के कलर को बदल देना है। एक फंदा स्लिप किया, अगला फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप किया, अगला फंदा सीधा। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बनाने में कितना सुंदर डिज़ाइन है और बनाने में बहुत ही आसान। अब हम यहाँ पे देखिए, अब दो धागे हैं
तो नीचे वाले धागे से हमें बुनाई करना है। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, यानी हमारा दूसरा लाइन। दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है और दो ही फंदे का डिज़ाइन है, लेकिन हर लाइन में हमें ऊन के कलर को चेंज करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस कलर से बुनाई कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये कलर, तो इस वाले फंदे को हमें स्लिप करना है और नेक्स्ट फंदे को हमें उल्टा बुनना है। देखिए ये कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इसे हमें स्लिप करना है और नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनना है। देखिए यहाँ पे हमने सीधा बुना था, अब ये जब हम धागा इस सामने की तरफ से लाएंगे तो ये देखिए एक त्रिकोण की तरह बन जा रहा है, ट्रायंगल ये बन जा रहा है। और लास्ट फंदा भी हम इसे उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन बनके तैयार है। तो इन्हीं दो फंदों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।